रिंकू की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो अपने बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने की मांग कर रही है। मंगोलपुरी में रिंकू की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो बिलख रही हैं, बेटे के इंसाफ के गुहार लगा रही हैं और अपने बेटे के हत्यारों को सजा दिलवाना चाह रही हैं। इधर पुलिस अपनी थ्योरी में कह रही है कि रिंकू और आरोपियों के बीच बुधवार की रात पहले झगड़ा ढाबे पर हुआ और वहां रिंकू के दोस्त के जन्मदिन की पार्टी थी, लेकिन उस ढाबे के मालिक का कहना है कि यहां उस शाम को वो लोग आए जरूर थे, लेकिन वहां कोई झगड़ा नहीं हुआ था और ना ही कोई बर्थडे पार्टी वहां रखी गई थी। हम लोग परिवार वर्ग के साथ संपर्क में है और अब तक की तफ्तीश में जो पता चला है कि शुरुआती घटना की शुरुआत उस बर्थडे पार्टी की लड़ाई झगड़ा से हुई थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम तमाम चीजों को जांच कर रहे हैं। किसी ने अपना नॉर्मल खाना खाया, चले गए, मिल गया अपना, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बोल रहा कोई केक वेक कटा नहीं, नहीं यहाँ कोई केक नहीं कटा, कोई कुछ नहीं कटा। घटना के बाद यहां बीजेपी सांसद हंसराज हंस भी पहुंचे और परिवार के लोगों से मुलाकात की। बच्चे को इंसाफ मिले, एक माँ का बेटा गया है, जिन्होंने जुल्म किया है उनको सजा मिले, यही होना चाहिए। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।